Very good morning students, how are you? I hope you are fine. आज हम लोग कुछ questions हैं आपके, इसमें picture clear नहीं है but जो मैं voice बोल रही हूँ वो आप लोग सुनते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये picture जल्दी जल्दी लिए गए थे इसलिए picture clear नहीं है, okay? तो यहाँ पे first question है, आपके पास ये duck दी है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज दिस लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे आंसर में दिस इज डक, यह क्या है, ये बतख है, ओके? तो आप लोग इस फोटो पे मत जाइएगा, मेरी वॉइस सुनिएगा क्योंकि ये फोटो जल्दी जल्दी ली गई थी इसलिए ऐसी आई हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर दोज, दो चीज़ें हैं, व्हाट आर दोज, तो आप लिखोगे यहाँ पे दोज आर टी एच ओ एस ई दोज आर काइट्स, काइट्स, ओके। फिर है हमारा व्हाट इज दैट, वॉट इज दैट, यहाँ पे आप लिखेंगे दैट इज एन एप्पल, एन एप्पल, ओके। फिर है नेक्स्ट मैंगो वाला कॉलम में वॉट आर दीज है तो आप लिख सकते हैं दीज आर, वॉट आर दोज है तो आप लिख सकते हो दोज आर, ठीक है? मतलब जो ये ख़त्म होता है वहीं से आपका आंसर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दीज आर मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो, ओके। फिर आपका यहाँ पे यूज है इन माई, he, she, you, your, तो आपके कॉलम से ही लगे हुए हैं, फर्स्ट में in भरेंगे, आई भरेंगे, सेकेंड में my, थर्ड में he, फिर she, जो जो ब्लैंक्स हैं एक लाइन से ये मैंने सेट कर दिया है, आप लोग वैसे भरना है, ठीक है? क्योंकि इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब पेपर आएगा तो मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा जो डाउट हो, ओके? देन नेक्स्ट में है राइट द एक्शन वर्ड, राइट द एक्शन वर्ड, तो यहाँ पे जो डॉग है वो कुछ खा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ दी रहेगी आपकी द डॉग इज़, आपको यहाँ पे एक्शन लिखना है कि एक्शन कर रहा है ईटिंग, वेट अ मिनट, ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, ये आपकी बुक में जहाँ पे एक्शन वर्ड वर्ब दिया हुआ है इंग्लिश में वहाँ पे ये सब है, तो आप देख करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है द गर्ल इज, गर्ल क्या कर रही है, राइटिंग, लिख रही है कुछ, तो यहाँ पे आप फिल करोगे डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग, ठीक है? क्योंकि गर्ल यहाँ पे लिख रही है। फिर ये द बॉय, ये आपको दिया रहेगा द बॉय इज, बॉय क्या कर रहा है, फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो लिखेंगे आप लोग पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग, ओके। फिर यहाँ पे द बॉय इज, बॉय क्या कर रहा है, घोड़े की सवारी कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग आर आई डी आई एन जी
राइडिंग, वेट अ मिनट, हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो, वेट अ मिनट, स्पेलिंग सही है इसकी, आर आई डी आई एन जी। कभी कभी कुछ डाउट्स हो जाते हैं तो क्लियर कर लेना चाहिए, अदरवाइज गलत बताने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो जो घोड़सवारी करता है या किसी चीज़ की सवारी करता है तो उसको राइडिंग बोलते हैं। ठीक है, जो खेलता है उसको प्लेइंग बोलते हैं, खेल रहा है, जो कुछ लिखता है उसको राइटिंग बोलते हैं कि ये लिख रहा है, और जो कुछ खाता है उसको ईटिंग बोलते हैं, खा रहा है। वैसे तो राइट ईट मतलब होता है ई ए टी, ईट ईट मतलब होता है खाना, ठीक, लेकिन आई एन जी लगा देंगे तो रहा है, खा रहा है। ठीक है, वैसे राइट डब्ल्यू आर आई टी, राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन इसमें हम डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग लिख देंगे तो लिख रही है ना, आई एन जी रहा है, रही है, रहे हैं, आई एन जी इसलिए लगाते हैं। ओके, फिर हमारा ये मैंने मैथ में आपको करवा ही दिया था, बट फिर से रिवाइज करा देती हूँ। राइट द नंबर नेम्स, नंबर नेम्स में 1414, एफ ओ यू आर टी डबल ई एन, 14। द नेक्स्ट है 20, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई, 20। उसके बाद नेक्स्ट है 25, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई, 20, एफ आई वी ई 5, 25। उसके बाद नेक्स्ट है 30, टी एच आई आर टी वाई, 30। फिर नेक्स्ट है 4040, एफ ओ आर टी वाई, 40। उसके बाद है 45, एफ ओ आर टी वाई, 40, एफ आई वी ई। आप लोग एक साथ लिखिएगा, मेरे उसमें जगह नहीं इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 10, टी एन 10। फिर 8, ई आई जी एच टी, 8। ओके, अब हो गया आपका स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग में 5-5 का डिफरेंस है, तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 10। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के बाद 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 के 10 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो आप लोग को उसी तरह लिखना है, ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलर नंबर, इन दोनों नंबरों में जो छोटा है उसको सर्कल करना है, तो 70 और 60 में 60 छोटा है, 42 64 में 42 छोटा है, 35 और 33 में 33 छोटा है, 40 30 में 30 छोटा है, 17 और 71 में 17 छोटा है। ओके, अब आप लोग आइडेंटिफाई द टेंस एंड वंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साइड की जो डिजिट होती है उसको टेंस लिखते हैं और इस साइड की वंस लिखते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस साइड आप लोग 7 है तो 7 लिख दीजिए, 7 टेंस में आएगा, 2 वंस में आएगा, इसी तरह इसमें 8 टेंस में आएगा, 4 वंस में आएगा, इसमें 3 टेंस 0 वंस, 5 टेंस 4 वंस, 4 टेंस 6 वंस। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा ड्रा अ ट्रायंगल एंड स्क्वायर फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग ट्रायंगल बना करके उसमें कलर फिल कर सकते, फिल इन द कलर ट्रायंगल और स्क्वायर बना करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। तो आपके पास जो कलर हो आप फिल करिए, नहीं है कलर पेंसिल से आप कलर फिल कर दो। ठीक है, आई होप आप लोग के पास कलर तो होंगे, कलर तो आप लोगों ने घुमाए नहीं होंगे अभी, ये घुमा दिए, मतलब
साल भर आप लोग स्कूल नहीं आए तो आप लोग के कलर घूम गए क्या? नहीं, आप लोगों ने संभाल के रखे, तो आप लोग कलर जो जितने अच्छा कलर करेगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब कलर पूरा फिल करिएगा, ये मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ, कलर कोई भी हो, ठीक, कोई भी कलर हो, बढ़िया सुंदर सुंदर बना करके हो सके तो स्केल का यूज़ कर लीजिएगा। मैम के पास भी कलर हैं, मैम भी मोबाइल में कलर कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। ओके, कलर लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, लाइन के अंदर ही रहना चाहिए। जिसका जितना अच्छा होगा उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट में हम लोग कलर फिल कर लेते हैं, ये वाला कोई भी कलर आप लोग फिल करो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे काउंट हाउ मेनी रुपीज़। तो यहाँ पे 5 का कॉइन है, फिर यहाँ पे 5 का कॉइन है, और यहाँ 2 का कॉइन है, ठीक। तो 5, 5 और 2, तो आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 12। ओके, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो 7 में आप लोग 4 को माइनस करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आप लोग 4 लाइन कट करोगे, 1, 2, 3, 4 ये लाइन कट करोगे, तो आप लोग के पास कितनी लाइन बची? 1, 2, 3, तो आप लोग 3 में सर्कल करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आप लोग 4 में सर्कल करिएगा, ठीक। इसी तरह आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, और ये वाले तो आप लोग से बन ही जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। 1 10s है, सॉरी, 1 10s एंड 2 1s, तो आप लोग यहाँ पे भरोगे 1, 2, 12। ओके, उसी तरह नीचे वाले में भी है, 2 10s एंड 4 1s, तो 2 और 4, 3 10s एंड 6 1s, 6, 3 और 6। ओके, फिर राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले छोटी डिजिट लिखेंगे आप लोग, तो छोटी डिजिट कौन सी है? 20। फिर उसके बाद वाली 24, फिर उसके बाद वाली 25, फिर उसके बाद 27, ठीक है। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह बाकी के भी आप कर लीजिएगा, ये जो 2 आपके पास हैं ये भी कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर एंड बिटवीन। इसमें जो नंबर पहले आते हैं उसको लिखना है, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। तो 8 के पहले आता है 7, 17 के पहले 16, 12 के पहले 11। ओके, फिर यहाँ बिटवीन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 20 के बाद 21, फिर 22, 8 के बाद 9, फिर 10। अब आफ्टर नंबर 6 के बाद 7, 13 के बाद 14, 29 के बाद 30। ओके, अब ये आप लोग का क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट एडिशनल ओरिजिनल नंबर्स विथ देयर नंबर नेम। तो ये जो हमारे
ओरिजिनल नंबर होते हैं, फोर्थ मतलब इसमें जैसे साउंड करते हैं ना, फोर्थ सेकंड नाइन्थ थर्ड सेवेंथ, तो उसी तरह इसमें मैम ने लिखा हुआ है सेवेंथ फोर्थ सेकंड नाइन्थ थर्ड। तो ये आप लोगों को क्या करना है, मैचिंग करना है। तो फोर्थ सेकंड नाइन्थ थर्ड एंड सेवेंथ, ठीक है, इस तरह आप लोगों को मैचिंग करनी है। ये इतने क्वेश्चन मैं आज आपको बता रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन मैं कल बताऊँगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो एंड हैव अ नाइस डे।